इसका ये डाटा शीट है, आप लोगों को जो अभी बता रहा हूं मैं। वीपीएच और वीआईओ मिलेगा और बाकी का आउटपुट यहां से निकलेगा कॉइल के बाद में। तो कई बार ये 4G और 2G में भी जाता है, ज्यादातर 4G में ही जाए देखने मिलेगा आप ये क्वालकॉम में। यही अगर एमटीके में एपीटी का वोल्टेज जो है, 4G तो होती है एमटीके में भी, लेकिन एपीटी आईसी नहीं मिलेगी। ये पावर आईसी एक कॉइल के थ्रू बना के देता है आपको, वीपी एपीटी के नाम से। वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहता है, 4 वोल्ट के ब्लो मिलता है। अब लेटेस्ट और भी लेटेस्ट सेट आ रहे हैं, फाइव जी में, मीडियाटेक में लेटेस्ट आईसी यूज कर रहे हैं। ये 6308P, ये मीडियम बैंड और लो बैंड पीए के लिए एक एपीटी पावर, और एपीटी यहाँ पे जीरो लिखा है कि वीपीए जीरो। अब 5G के लिए जो यूज होगा एपीटी वन, ये देखिए वीपीए वन, सेम आईसी रहेगा 30 बॉल का, लेकिन दो दो आईसी लगे मिलेंगे। 5G पीए छोटा सा यहाँ लगा है, 4G तो पुराना सेम ही है, और 2G 3G का पीए बदल गया है, देखिए लो बैंड मीडियम बैंड, मीडियम मतलब 3, हाई बैंड मतलब 4G, लो बैंड मतलब 2G पीए। ये आईसीयां बदल गए 2G पीए के, ये 5G सेट का है। तो इसमें आपको छोटी सी आईसी मिलेगी, नंबर क्या रहेगा 6308P। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, वीबैट है, जहां जहां लाल लाल कलर है वीबैट है, एक 1.8 का वोल्टेज आना है, बाकी सब ग्राउंड पिन है। और ये है क्लॉक डाटा सीपीयू से, जैसा हम इसमें भी देखे थे क्लॉक डाटा आता है सीपीयू से, वही वीपीएच है, वही वही वीआईओ है, बाकी ग्राउंड है, सेम यही 5G कंसेप्ट है। आईसी बदल दिए, आईसी थोड़ा सा बड़ा कर दिए, 50 कितने बॉल है, 10, 20, 30 बॉल का आईसी है। तो एक में वीपीए जीरो के नाम से निकलेगा और एक में वीपीए वन के नाम से निकल रहा है, यहाँ ये ध्यान रख लीजिए। तो ये आपको डाटा शीट कहीं नहीं मिलेगा, अपने पास ही मिलता है, क्योंकि अपन चेक करके एक एक बॉल को बना के आपको दे रहा हूं मैं। तो अंदर आप जब भी चेक करोगे आईसी के, यहाँ यहाँ पे ग्राउंड मिलना चाहिए जो ब्लैक कलर दे रहा हूँ, यहाँ पे आईसी निकाल दोगे तो भी 1.8 मिलेगा, यहाँ पे आईसी निकाल दोगे तो भी आपको वीबैट का 4 वोल्ट मिलेगा, वीबैट 1, 2, 3। एलएक्स जहाँ लिखा है यहाँ पर स्विचिंग के टाइम पे मिलेगा, अगर कॉइल लगा है, ये आपस में कनेक्ट होने चाहिए सारे के सारे इंटरनल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाल कलर के, ब्राउन कलर पे 1.8 आएगा, ये ग्रे कलर पूरे एनसी को ले, कोई काम के नहीं है, पूरे टूट जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पर्पल वाले अगर खराब हो गए ना, ये काम नहीं चलेगा आपका, रेडियो ऑफ में चला जाएगा मोबाइल। आप मीडियाटेक में तो रेडियो ऑफ बताता नहीं है, ठीक है, क्वालकॉम में आपको बताएगा, इसमें नेटवर्क नहीं आएगा। तो क्लॉक डाटा पे हमेशा GR आना चाहिए, ये RFFE क्लॉक डाटा होता है, CPU से आता है, दोनों में 300 के आसपास GR आना चाहिए। ये है हमारी APT पावर IC, MTK में अभी तक जो आ रहा था पावर IC से आता था ये वोल्टेज, अभी नया IC आ रहा है, क्वालकॉम हमेशा से एक APT IC देता है। अब ये जो वोल्टेज है 4G PA में जाता है, कितने नंबर पे जाता है थोड़ा सा ये भी बता देता हूं मैं आपको। फोर जी पी ए यहाँ लगा है, इसका नंबर है U1804, डायग्राम में आएंगे U1804 डालेंगे तो VCC के नाम से देखने मिलेगा, VCC1, VCC2, VCC2 यहाँ पे ये नाम है, बाहर जाओगे ना VPA APT दिखेगा। ये वोल्टेज कहाँ से आता है, ये छोटी सी IC जो बताया ना आपको मैं बैटरी कनेक्टर के बाजू में, यहीं से आता है। तो इस IC का नंबर क्या है भाई, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर के ऊपर देख लो, 1601, छोटी सी आईसी बैटरी कनेक्टर के पास, ये वाली कितनी इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क चला जाएगा इससे। देखने में कैसी दिखेगी इस साइड की, शील्ड निकालने के टाइम पे टूट जाती है ऐसा, नेटवर्क चला जाता। फिर आप बोलेंगे मैं तो नेटवर्क सेक्शन पे काम ही नहीं करा, देखो छोटी सी आईसी है, इसके अंदर ये वाले नाम से सप्लाई आती है, ये होती है आईसी,
ये डायग्राम में है, इसका मैं डाटा शीट बना के अभी यहाँ पे दे दिया हूँ आपको, ये वाला। टोटल 12 गोले हैं, एक नंबर पे वीपीएच, दो पे डाटा, तीन पे क्लॉक। यही चीज यहाँ पे देख लो, एक नंबर पे वही वीपीएच आएगा यहाँ से, और दो पे डाटा, तीन पे क्लॉक। ये देखिए, चार पे 1.8 आ रहा है, यहाँ पे भी देख लो, चार पे 1.8 आएगा वीआईओ का पावर आईसी से। आउटपुट कहाँ से होगा? ये 5 नंबर और 11 नंबर से आउट होगा यहाँ से। तो डायग्राम में भी देख लेते हैं, 5 नंबर और 11 नंबर से एक कॉयल के थ्रू क्या होगा? आउट होगा। ये डाटा शीट में यहाँ पे बना के दे दिया हूँ। अब आप बोलेंगे सर एमटीके में कहाँ से आता है? ये देखो, एमटीके में कहाँ से आता है? पावर आईसी से। यहाँ पे एक डायग्राम अपन ने खोले थे 6A का, ये रेडमी 6A का डायग्राम है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, पावर आईसी के पास VPA APT, ये देखो पावर आईसी है MT6357CRV, और यहाँ पे देखो VPA लिखा है। इसका एक कॉयल यही मिल जाएगा, और आगे जाओ VPA के नाम से मिलेगा, और इसको सेलेक्ट कर लो, और ये वोल्टेज जाता है 4G पे PA में। ये देखिए VPA VCC के नाम से, ये है 4G का PA। ठीक है, याद रखिए, यहाँ पे भी देख लिए थे अपन ने, यही नाम से आ रहा है यहाँ पर भी VCC1 VCC2 VCC22, ये नाम से ये वोल्टेज जरूर आना चाहिए, नहीं तो आपका नेटवर्क चला जाएगा। ये APT का वोल्टेज है जो अपन ने APT IC यहाँ पे देख लिए। तो अभी पुराने सेट में पावर IC से आ रहा था, अब 5G में VPA का APT का अलग से MediaTek में भी IC मिलेगा। ये आपका हो गया APT पावर। SDR देखिए आप, WTR देखिए, 2GPA 4GPA। ये 4GPA में मैं बताया आपको, 5 और 6 नंबर क्लॉक डाटा रहता है, 7 नंबर VIO, 8 नंबर हमारा VBAT का सप्लाई है, तो इधर से आ रहा है, इसको हम VPH बोलते हैं। ठीक है, RFFE क्लॉक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो ऑफ हो जाएगा अदरवाइज। ये 1.8 नहीं मिलेगा तो भी रेडियो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इन क्लॉक डाटा को चलाने के लिए बाहर वोल्टेज नहीं देते, आईसी के अंदर वोल्टेज देते हैं 1.8 का, तो अंदर के सेक्शन को एक्टिवेट करता है। और VBAT का वोल्टेज तो इस आईसी को वर्क कराने के लिए चाहिए 4GPA। ऐसे ही 2GPA सेम, 2GPA का नंबर है U1803, इसको भी डायग्राम में आएंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए 2GPA में भी VBAT चाहिए और VIO चाहिए। VBAT हमारा 9 और 10 नंबर पे आता है, यहाँ पे आगे VPS लिख देगा यहाँ पर, ये देखिए, और एक VIO चाहिए 1.8 का वोल्टेज, यहाँ पे देख सकते हैं 1.8। क्लॉक डाटा RFFE, यहाँ पे क्लॉक डाटा। अब ये लो बैंड PA हमारा, ठीक है, छोटा सा 2GPA बोलते हैं अपन इसको, या FEMIC बोलते हैं, या एंटीना की लाइन हमेशा इसी में रहेगी। ये देखिए 22 नंबर में एंटीना की लाइन ये आउट होती है, आउट होकर के आगे जा करके आगे जा करके आगे जा करके एंटीना में चले जाती है। एंटीना वाली लाइन हमेशा 22 नंबर के साथ कनेक्ट रहेगी आप। वही 4GPA में ये एंटीना वाली लाइन नहीं रहेगी आपकी, वहां पर VCC VCC22 की वोल्टेज मिलेगी। तो दोनों में यही फर्क है, एंटीना की जो लाइन है हमेशा आएगी 2GPA में। एक बार यहाँ पे मैं हार्डवेयर सोल्यूशन में भी बता देता हूँ आपको, ग्रीन कलर की लाइन यूज करता है एंटीना के लिए हमेशा। अब इसमें क्लॉक डाटा ये सारी लाइनें नहीं बताता, ये बस वोल्टेज बता देता है और दो तीन लाइनें बता देता है, बस उतना ही। तो एंटीना को पकड़ना है आपको कहाँ पे है हमारा 2GPA, तो हमेशा ये वाली लाइन पकड़ लो, यहां से एंटीना निकला, बीच में कंपोनेंट मिस हो जाए तो भी आपका इन नहीं होगा वोल्टेज। यहाँ पे एंटीना स्विच भी दिया है, उसके बाद यहां से देखिए एक कपलर दिया है, इसको व्हाइट कलर का जो रहता है इसको कपलर बोलते हैं। कपलर के बाद 22 नंबर में आ जाती है आपकी एंटीना की लाइन हमेशा, ये देखिए। बाकी के बिना इन्हें NC छोड़ दिया, बस एक VPA APT का वोल्टेज दिखा रहा है जो कि इस कैप से निकल के आता है, तो इन्हें यहाँ पे बताया भी नहीं हो,
यहाँ पे सिर्फ वीपीएच बताया, इधर सामने वीपीए एपीटी का वोल्टेज आता है वो भी नहीं बताया इसने, जो कि 1.3 से लेकर के 4 वोल्ट जो कि इस आईसी से आता है। इस आईसी का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देखो वीपीएच लिख दिया इन्हें, और यही वोल्टेज को यहाँ पर वीपीए लिखा है, मतलब मिस्टेक कर दिया, ये वीपीएच वोल्टेज है, वीपीए नहीं होता है। देखो यहाँ पर चार्जिंग एसी से निकला है वीपीएच का वोल्टेज, यहां से दोनों कनेक्टेड है, इसको एपीटी बता रहा है और इसको वीपीएच बता रहा है, तो ये तो मिस्टेक है इसमें। देखो दोनों लाइन कनेक्ट है यहां से, और नीचे आने के बाद में यहां पर वीपीएच नाम दे दिया, और इस लाइन को देखो यहां पर वीपीए दे रहा है, हालांकि वीपीए का वोल्टेज तो यहां से आना चाहिए, इस कैपेसिटर से आना चाहिए, और यहां पे वीपीए का वोल्टेज नहीं आता है, ये वोल्टेज यहां से आकर के यहां पे आता है, तो ये एक मिस्टेक है इस वाले डायग्राम में। ये भी वीपीएच ही वोल्टेज है जो यहाँ पे 10 और 9 पे मिलता है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर देख लिए हैं, 9 और 10 पे आपको वीपीएच वोल्टेज मिलता। तो बोर्नियो में ऐसा रहता है, इसको देख करके आप प्रॉपर काम नहीं कर सकते, इसलिए डायग्राम रीड करते रहना है, समझते रहना है, देखकर आपको काम करना है। और ज्यादातर अभी के मोबाइल में सीपीयू हो जाता है ड्राई सोल्ड, सीपीयू ड्राई सोल्ड हो गया मतलब समझ जाइए नेटवर्क आपका गया, क्योंकि सिग्नल बनेंगे नहीं तो नेटवर्क आएंगे नहीं, नेटवर्क आएंगे नहीं तो मोबाइल में नेटवर्क दिखेंगे नहीं, समझ रहे आप। ज्यादातर सीपीयू ड्राई सोल्ड हो जाता है, 2 दिन पहले भी आपके ग्रुप में नेटवर्क का प्रॉब्लम था, Note 9 Pro Max का सीपीयू रिवॉल्व करे उनका काम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सीपीयू से ही फॉल्ट रहता है, कहीं से भी हो सकता है फॉल्ट, 4GPA से भी हो सकता है। ये देखो 2GPA कितना बड़ा आ गया है अभी, दिख रहा है आपको, ये लेटेस्ट वाले है पीए, 5G सेटों में ऐसे ही मिलेगा आपको पीए, ये वाईफाई का एसी है छोटा सा, इसके पास भी ये कपलर मिलेगा, एंटीना को पकड़ना है और एंटीना से आपको देखना है, ये 5G सेट है। अब देखो यहाँ पर कितने एंटीना दे दिया, यहाँ पे एंटीना, यहाँ पे एंटीना स्विच, ये कपलर है बड़ा कर दिया 5G में, ये इसकी नेटवर्क आईसी है, क्या नंबर की आ रही है, 6190RF, 5G सेट है ये। यहाँ पे भी देखो एंटीना, यहाँ पे भी देखो, यहाँ से इन होगा, ठीक है, अब ये जब एंटीना से इन हो रहा है सप्लाई, एक रजिस्टर ये सीरीज का हट गया, खत्म, नेटवर्क अंदर आएगा ही नहीं आपका। तो ये शील्ड निकालने के टाइम पे या काम करने के टाइम पे या सीपीयू रिवॉल्व कर रहे थे आप उसमें रख दिए, पीसीबी होल्डर में डाल दिए, एक आध रजिस्टर निकल जाता है, फिर आपका नेटवर्क चला जाता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है, जो मैं यहाँ पे स्टेप्स आपको बताया हूँ यहाँ से, ठीक है। और कई बार आप नीचे का सब पीसीबी भी चेक करिए, उसमें भी पानी चला जाता है, और उसमें एंटीना ट्यूनर ऐसी रहता, सब पीसीबी से केबल जो आरएफ केबल लगता है वो भी नहीं लगाते हैं, बहुत बार स्टूडेंट कहीं दुकानदार के पास गया था वो तोड़ देते हैं, तो भी लो नेटवर्क आते हैं या नेटवर्क नहीं आता है आपका, या 4G IC 2GPA जो ज्यादातर ड्राई सोल्ड हो जाता उसलिए भी नेटवर्क चला जाता। अब जो हमारी WTR IC है, SDR IC, इसमें क्या है कंसेप्ट, ये जो 1.8 का वोल्टेज आता है इसमें, जब मोबाइल ऑन करते हैं ना आप, एक बार आके चला जाएगा वोल्टेज, और दूसरा ऑन कंडीशन में भी आप अंदर जाकर के 2G से 3G, 3G से 4G चेंज करके देख सकते हैं, वो चेंज हो रहा है मतलब सीपीयू का सप्लाई सही है, सिग्नल सही है। अगर वो चेंज ही नहीं हो रहा है, 2G से 3G में नहीं जा रहा है, 3G से 4G में नहीं जा रहा है, किधर भी आप चेंज कर दो वो वापस वहीं पे आ जाएगा, मतलब समझ जाना कि सीपीयू से फॉल्ट है। और ये जो 1.8 का वोल्टेज है, ये आईसी जब सही रहेगा तभी सीपीयू उसको वोल्टेज देगा, नहीं तो 1.8 का वोल्टेज देगा ही नहीं। और इनमें से कोई भी एक आईसी खराब हो जाए तो ये वोल्टेजेस, कौन सा भी वोल्टेज नहीं बनेगा यहाँ पर, WTR के 1.8 1.0 बनेगा ही नहीं, जब मोबाइल रेडियो ऑफ में रहेगा आपका, और रेडियो ऑफ में चला जाता है इन ग्रीन ब्लू लाइनों की वजह से, या कोई एक आईसी शॉर्ट हो गया मोबाइल आपका रेडियो ऑफ में चला जाएगा, या इसको 1.8 VIO नहीं मिल रहा है या VPH नहीं मिल रहा है, तो आपका मोबाइल चला जाएगा रेडियो ऑफ में,
या एपीटीआईसी वर्क नहीं कर रही है तो भी मोबाइल चला जाएगा रेडियो ऑफ में। यहाँ पर पावर एसी लिखा हूं मैं, क्योंकि PM660 के अंदर ही चार्जिंग एसी रहती है जिसको हम डीसी टू डीसी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि पावर एसी से ये वीपीएच कहाँ से आ रहा है, क्योंकि पावर के अंदर ही आधी चार्जिंग एसी है आधी पावर एसी है ये, इसीलिए ये वोल्टेज यहीं से बन रहे हैं। यहाँ पे एंटीना ड्रॉ करें अपन, क्योंकि 2GPA के अंदर ही एंटीना की लाइन रहती है जिसको हम RXTX पाथ बोलते हैं। रिसीविंग भी यहीं से होगा, ट्रांसमिटिंग भी यहीं से होगा, ये इसका एक कंसेप्ट है। ये वाला हम देख लिए थे, ये भी देख लिए थे, ये वाला देखना था। और ये देखो, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस पूरे डाला हूं मैं उसके अंदर, और 5G के भी डाला हूं यहां पर, 5G वाले IC के, ये भी जाकर देख लिया एप्लीकेशन के अंदर। ये और भी इससे पहले भी मैंने लिया था क्लासेस, तो वो वीडियो भी मैं डाला हूं, और आज वाला क्लास का वीडियो भी डालूंगा। ये सारी लाइनें हैं जो आप देख सकते हैं, तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको समझ में आएगा। ये देखिए एंटीना ट्यूनर है इसी में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्लॉक डाटा। जहाँ पे कंट्रोल लिखा था इससे पहले, अभी जो हम क्लास ले रहे थे तब वहां पर कंट्रोल लिखा था, यहाँ पे क्या है, ये अब ये नीचे सब बोर्ड में या ऊपर होती है तो हमारा मोबाइल आपका फ्लाइट मोड में चला जाता है, हाफ फ्लाइट मोड आ जाएगा अगर नीचे वाली में रहेगी। एंटीना ट्यूनर ऐसी है, तो ऐसा चेंज होते रहते हैं, देखते रहना है अपने को, क्योंकि एंटीना ट्यूनर आईसी में आपको आपको 1.8 या 2.7 का वोल्टेज भी मिलेगा और क्लॉक डाटा की सप्लाई भी मिलती है, तो ध्यान रखना है इसको। यह हमारा एपीटी का वोल्टेज है वीपीए का, और यहाँ पे आपका वीबैट के जस्ट अपोजिट में हमेशा मिलेगा वीपीए एपीटी का वोल्टेज, जो कि आपका एपीटी आईसी से आता है। और यह एंटीना की लाइन हमेशा 2GPA के साथ कनेक्ट होती है, 4GPA में नहीं आती है। अब VIO का नाम LTE VMIP बोल के भी रहता है, नाम चेंज हो जाएगा। ये जो नाम यहाँ पे लिखा हूं मैं, इसको पकड़ के मत चलना कि सर VIO बताए तो हमेशा VIO ही रहेगा। इसका नाम अभी लेटेस्ट डायग्राम में क्या हो चुका है, LTE VMIP। ठीक है, वोल्टेज मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस बोलते हैं इसको, तो इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, VIO 1.8 बोल दीजिए, बात खत्म। पावर एसी से आता है ये, तो नाम बदलते रहेगा लेकिन काम वही रहेगा। ये MTK की जो IC है 6177 RF IC, उसको ये तीन वोल्टेजेस, दो वोल्टेजेस चाहिए, VIO 1.8 तो एक आता ही आता है, अब ये दो वोल्टेजेस में 1.8 और 1.2। VRF मतलब वोल्टेज रेफरेंस रेडियो फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं आप, वोल्टेज फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली आईसी RF IC के लिए। ये हमारा XOIN का सप्लाई MediaTek में XOIN के नाम से भी मिलेगा, या PMIC क्लॉक RF जो थोड़ी देर पहले ही बताया था मैं आपको, इसका एक अलग से डब्बा दे दिया। देखिए यहाँ पे 1.8 नहीं आएगा ना, ये वोल्टेज अगर इधर नहीं आएगा तो ये आईसी काम ही नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आईसी है ये। यहाँ पे एक रजिस्टर दिया है, 2K का हो सकता है रजिस्टर, ये 2 यहाँ लिखा, K यहाँ पे लिखा, हाई वैल्यू का रजिस्टर है ग्राउंड के साथ, इसको शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा, तो हाई वैल्यू का है तो हाई वैल्यू का ही रखना है। ये रेफरेंस रजिस्टर्स होते हैं, या रेफरेंस में कैपेसिटर हो गए, उसको मिस नहीं करना। देखो यहाँ पे पैरेलल में रजिस्टर दिया है डिटेक्शन वाली लाइन में, और कई मरतबा एंटीना की जो लाइन है, एंटीना वाली लाइन में आपको डिटेक्शन का एक सर्किट देता है, यहाँ पर यहीं से एक CPU को एक सप्लाई जाता है, उसको हम डिटेक्शन सर्किट बोलते हैं। जब आप जैसे ही यहाँ पर केबल लगाओगे तो इस लाइन में जो है ना ग्राउंड आएगा, और ग्राउंड आने से CPU को पता चल जाता है कि केबल लग चुका है एंटीना का। जैसे सिम ट्रे में आप देखे होंगे, सिम डालते हैं तो सिम का जो लॉक होता है, वहां पर लॉक के पास अगर आप देखे होंगे, सिम के लॉक के पास, इसमें सिम ट्रे शायद नीचे दिया, यहाँ पे नहीं है, लेटेस्ट बोर्ड है ना ये, तो सब बोर्ड में देता है सिम ट्रे। तो सिम ट्रे में क्या होता है, एक लॉक होता है,
वो लॉक की वजह से सीपी को पता चलता है कि फर्स्ट सिम लगी है या सेकंड सिम लगी है या फिर एसडी कार्ड लगा है। ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे ग्राउंड होता है। जैसे ये इसको टच हो जाएगा ना, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज होता है, ये टच होगा तो वोल्टेज ग्राउंड हो जाता है। जैसा वोल्टेज ग्राउंड हो गया तो सिम लग चुकी है, पता चल जाता है सीपीयू को। ऐसा ही एंटीना में होता है। एंटीना में भी क्या होता है, यहाँ पर एक रजिस्टर्स दे करके एक सर्किट बनाते हैं। यहाँ से जैसे आप केबल लगाओगे तो नीचे से ग्राउंड इसमें मिलेगा और सीपीयू को एक सिग्नल जाता है सीधा कि एंटीना लग चुका है। तो ऐसा भी कभी सर्किट वो लोग यूज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बैंड पास आईसियां होते हैं, ये सारे के सारे नहीं रहेंगे तो भी चलेगा आपका। अलग अलग आप सिम कौन सी डाले उसके हिसाब से, ठीक है। इसमें जैसे अब एक जियो का सिम डाले हैं तो हाई बैंड वाला, जो बैंड 40 वाला हमारा ये बैंड पास फिल्टर है, वो डाल देंगे, काम चल जाएगा। इतने सारे काले काले छोटे छोटे आईसियां लगे ना, ये अलग अलग कंट्री के लिए बनाए जाते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट के लिए। ये DRX आईसी होती है हमारी लैग वाली, ठीक है। ये निकल जाए तो रेडियो ऑफ। ये हमारी 2GPA है, ये हमारा सेंस रजिस्टर है, कोड रजिस्टर। इसकी वजह से फ्यूल गेज में प्रॉब्लम आ जाती है, परसेंटेज वगैरह शो नहीं करता है, इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए। फोर जी पी ए यहाँ लगा है। अब बहुत सारे फोनों में APT पावर नहीं है, लेकिन ये फोन तो 4GPA का है, मतलब 4G सेट है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर बैटरी का 4 वोल्ट देते हैं APT की जगह पे। जैसा Redmi 5A है तो 4G सेट है, Note 4 का है 4G सेट है, उसमें APT पावर लगी नहीं है और क्वालकॉम चिप सेट है। जैसा यही सेट है, APT IC इसमें नहीं लगी है, ठीक है। तो फिर 4G कैसे चलता है, क्या APT का वोल्टेज नहीं चाहिए क्या इसको? APT का तो वोल्टेज चाहिए ये वाला। इसको कहां से देंगे, वी बैट का वोल्टेज देते हैं, सीधा सीधा VPH का वोल्टेज दे देते हैं 4 वोल्ट। डायग्राम के अंदर जाकर आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर VPH वोल्टेज दे देते हैं सीधा सीधा 4 वोल्ट। इधर भी वही आता है, इधर भी वही वोल्टेज आता है। इसीलिए हम लेटेस्ट सेटों में यहाँ से एक जम्पर निकाल के इस कैप से इस कैप को देते हैं, ऐसा बाईपास कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, चेक करना है। ज्यादातर पानी वगैरह जाने से ये ड्राई सोल्ड हो जाती है, नीचे गिरने के कारण नीचे से ट्रैकें टूट जाती हैं। और WTR जो आईसियां होती है, ग्लास आईसियां होती है, ये थोड़ा सा ज्यादा हीट मारोगे आप तो इंटरनल इसका एक्सो का सेक्शन खराब हो जाता है, लगाने निकालने में ही खराब हो जाती है आईसियां। और बहुत बार देखा हूं मैं, ये शील्ड के बाजू में ये जो रजिस्टर्स रहते हैं, ऐसे एक एक रजिस्टर निकल जाते हैं, आपका नेटवर्क चला जाता है। ये शील्ड पतरा निकालने के कारण क्या होता है, पास में जो रजिस्टर्स लगे होते हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, शील्ड निकालने के टाइम पे क्या होते हैं, ये निकल जाते हैं, तो उससे आपका नेटवर्क चला जाता है। ध्यान रखना है आपको छोटी छोटी चीजों का। और ये लेग वाले आईसियां बहुत सारे लोगों को लगाने नहीं आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मतलब टेक्नीशियन भाइयों को, इसको कैसे लगाते हैं। परसों रिसेंटली हम देखे, एक बंदा मार्केट के अंदर इसका भी स्टेंसिल ढूंढते फिर रहा है, समझ रहे हो। इसका स्टेंसिल अभी लेने का जरूरत नहीं है, इसको आप नीचे आप पीपड़ी लगा करके फ्लक्स डाल करके अच्छे से सोल्ड कर सकते हैं। और आईसी को भी ऐसे ही सोल्ड करना है, इसके पीछे जो 4 पिन रहते हैं, बीच के सारे ग्राउंड पिन होते हैं, तो वो बहुत सारे लोग उसको भी देखते हैं कैसे बनाना है। बस इसको अच्छे से आपको लगा देना है, एक एक पिन टच होनी चाहिए। अगर कोई भी एक पिन मिस रहेगी तो आपका नेटवर्क नहीं आएगा, सारी की सारी पिने फिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे भी देखिए, ये हम इसको पैड आईसी बोलते हैं और इसको बॉल आईसी बोलते हैं, और जो लेग वाली होती है उसको लेग आईसी बोलते हैं। जो हमारी DRX होती है, बाहर से टांगे छांकते हैं इसके, इस तरीके से पैर बाहर निकले होते हैं। तो बॉल आईसी, ये पैड आईसी, एंटीना पैड आईसी। एंटीना हमेशा 2GPA से कनेक्ट होता है। इसको और अच्छे से समझिए, 2 से 3 बार देखिए जाकर के, और जब काम करोगे तो स्टेप बाय स्टेप करिए। नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या करना है, ऐसा नहीं, ये सारा चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। आप सारा कुछ चेक करेंगे तो सर, एक इजीली। बात बात था, हाँ बोलो। बोल रहा हूँ वही इमरजेंसी कॉल कौन सा ऑप्शन में आएगा, और नो इमरजेंसी रेडियो ऑफ नहीं सर्विस रहेगा कौन ना, सा जब ऑप्शन जब मोबाइल में सीपीयू की लाइनों की कोई दिक्कत नहीं है तब इमरजेंसी में आ जाता है। तब अपने को ये वाले आईसीओ पे काम करना है, 1, 2, 3 और ये वाली 4, ठीक है।
इमरजेंसी आ रहा है मतलब सीपीयू से आरएफएफई क्लॉक डाटा सही है, समझ रहे आप? जी से देखना होगा। हाँ ये अब सिम डालना है और प्रोवाइडर लिस्ट चेक करना है, तो अंदर लिस्ट बननी चाहिए ना, तो कभी 2G का सिग्नल पकड़ेगा 4G का नहीं पकड़ेगा, और कभी 4G वाले पकड़ेगा और 2G वाले नहीं पकड़ेगा, कभी तो पकड़ेगा ही नहीं, ठीक है? ऐसा चेक करना है। इमरजेंसी आ रहा है मतलब लिस्ट बनेगा आपका, नो सर्विस में नहीं है मोबाइल आपका, ठीक है? नो सर्विस वाला? हाँ नो सर्विस मतलब लिस्ट नहीं बनेगा आपका, रेडियो ऑफ हो जाएगा उसमें, ठीक है? इमरजेंसी और रेडियो ऑन आ रहा है, ठीक है, तब आपका प्रोवाइडर का लिस्ट बनेगा अंदर, एयरटेल आइडिया जियो। जब रजिस्टर नहीं होगा आपका उस टाइम पे 4GPA के वोल्टेजेस, एपीटी पावर के वोल्टेजेस चेक करना है, मतलब सिग्नल आ तो रहे हैं, टीएक्स वाली लाइन देखना है, अभी बताया था मैं फोटो में आपको, कौन सी टीएक्स वाली लाइन है, ये वीडियो को रिपीट करके देखो समझ में आ जाएगा। इन तो हो रहे हैं सिग्नल, लेकिन फिर बाहर भी तो जाना है ना सिग्नल 4GPA से हाई बैंड के, टीएक्स वाली लाइन, समझ गया? हाँ वो फोटो किधर गया कि अभी अभी एक डाटा शीट दिया था ना मैं आपको ब्लॉक डायग्राम का, उसमें आपको पूरे लाइनें बता रहा है, उसमें देख लेना आप जाकर के आराम से, ठीक है? और 5G के अंदर आपको ये वाला पीए का डाटा शीट दे रहा हूँ मैं, शायद कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? ये इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है, देखो इसमें आरएफएफई कंट्रोलर 1.8 VIO क्लॉक डाटा आता है इसमें, एसपीडीडी स्विच इसी में है, और सीपी जो लिखा होता है कपलर की लाइन होती है ये वाली, जो बाहर मिलता था कपलर इन हो गया है वो कपलर इन, और ये एंटीना की लाइन इसमें भी आती है 5GPA में, ये देखो क्लॉक डाटा है इसमें, और ये VIO 1.8 VDD लाइन है हमारी लो नॉइस एम्पलीफायर के लिए, अब इसमें भी देखो VCC2 है और VCC1 है, मतलब VPH का यहाँ पर APT का वोल्टेज आता है, ठीक है? ये यहाँ पे VBAT वोल्टेज आता है, ये ग्राउंड पिन है, ये ग्राउंड पिन है, ये 5G का है, 5GPA है लेटेस्ट, ठीक है? चलिए MTK का है। हाँ MTK का Qualcomm का सर, दोनों में आता है ये, दोनों में सेम है। हाँ ICR तो देखो दोनों में यूज होती है, ठीक है? ऐसा ये देखो मीडियम बैंड के लिए ये वाले ICR यूज होती है ज्यादातर, यहाँ पे नंबर लिखे हैं लो बैंड मीडियम बैंड। अब जो 5G का जो नेटवर्क चलते हैं N77, ये हाई बैंड है 5G के, ये N41 ये लो बैंड है, L मतलब यहाँ लिखा ना PMIF, तो ये 5G के जो सेट होते हैं उसमें आपको बैंड 21 बैंड 22 बैंड 30 बैंड 3 ऐसा नहीं मिलेगा, अभी यहाँ पे N से चलेगा, N77 N79 N41, ये नेटवर्क के बैंड के नाम है, हाई जी बैंड, हाई 5G के जो बैंड होते हैं, ये APT पावर IC है 6308 MediaTek की, इसका डाटा शीट दिया हूं मैं अभी आपको, इसमें 10 20 30 गोले होते हैं, और यहाँ पे मैं अभी आपको इसका डाटा शीट भी दे दिया हूँ 5G का, ये वाला 6308 5G में आपको ये वाली मिलेगी APT पावर, और देखो एक दो मिले हैं यहाँ पर, दिख रहे हैं आपको दो दो लगे हैं, एक 4G के लिए एक 5G के लिए APT पावर दो दो मिलेंगे, किसी किसी में देखा हूं मैं तीन तीन भी लगे होते हैं APT। अब ये Redmi Note 10 5G का है डायग्राम, यहाँ पे देखो यहाँ भी एक APT लगा है, यहाँ भी APT IC लगी है, ठीक है? तो देखते रहना है, सीखते रहना है, नया नया IC नया नया डायग्राम आते रहता है, अपडेट होते रहना है, तभी आप काम कर पाएंगे। शायद यहाँ पे मैं फोटो भी लिया था इसकी, ये देखो 5G का PA ऐसा दिखेगा, अभी जिसका डाटा शीट दिया ना मैं आपको ये वाला, और ये तो 4GPA है, और 2G, और ये देखो ये 2GPA ऐसे बड़े बड़े आ चुके हैं, ये 3G वाला भी अलग से कर दिया लो, और ये कपलर व्हाइट कलर का लगा है, एंटीना की सप्लाई जिसमें जाएगी वही हमारा 2GPA रहेगा, याद रख लीजिए। और अभी लेटेस्ट में आपको ये
पीएम के आईसी मिलेगी क्रिस्टल के बाजू में, मैं क्रिस्टल की क्लास में दिया हूँ ये, इसका डाटा शीट भी दिया हूँ क्रिस्टल का आईसी का, और छोटी सी आईसी मिलेगी। और क्रिस्टल देखो कितने मेगाहर्ट्ज का आ गया है अभी, 76.8, 19.2 वाला तो आपके हाथ में बहुत आया होगा, 26 मेगाहर्ट्ज का भी देखे होंगे, 34.8 वाला भी देखे होंगे, अभी 76.8 वाला भी देख लेंगे आप लोग। अभी लेटेस्ट में ये आएगा, रेडमी नोट 12 का है ये, और पीएम के आईसी के पास लगा होगा ये, छोटी सी आईसी कैसी होगी आईसी देखने में, आईसी दिखेगी इतनी छोटी सी आईसी, क्रिस्टल की क्लास में बताया हूं मैं पूरा डिटेल में ये। तो नई नई चीजें आते रहती है, अब अपन पुराना सर्किट को लेकर काम नहीं कर सकते, देखते रहना है और सीखते रहना है, जब मोबाइल आएगा तो हम पहले से रेडी रहना है। ये हमारे वोल्टेजेस एसडीआर के लिए 1.8, 1.2 और आरएफ क्लॉक आता है, इसका मैं ऑलरेडी आपको यहां पर दे दिया हूं ड्रॉ करके, एक्सो इन और ये 5 वोल्टेजेस ये वाले अच्छे से इसमें क्लियर दिख रहे हैं, और ये फोटो उसका ब्लॉक डायग्राम है, ये तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप डाउनलोड कर लीजिए नोट 5 प्रो का डायग्राम, ऐसा पूरा जूम कर करके आप पढ़ सकते हैं किधर लाइन जा रही है। बिट मैप तो आपके पास होगा ही, बिट मैप से आप चेक लगाओ मिल जाएगी सारी की सारी लाइनें, और हार्डवेयर सोल्यूशन तो है ही, हार्डवेयर सोल्यूशन आपको बोर्नियो में मिल जाएगा, अभी कुछ स्टूडेंट बोर्नियो खरीदते ही नहीं है और फोटो वगैरह पूछते हैं तो अपन कौन से टाइम पे कहाँ रहते हैं, अब उनको अगर फोटो ना दें डायग्राम की तो वो छिड़ जाते हैं फिर नाराज हो जाते हैं। एक 1500 रुपये 2000 का आता है भाई ये ले लेना, इसमें देखो इतने सारे मॉडल्स हैं पढ़ने के लिए सीखने के लिए काम करने के लिए, बोलते हैं कभी नेटवर्क नहीं चल रहा है कभी लैपटॉप खराब है बनाने दिए हैं, तो फोटो निकाल निकाल के आप कितनों को डालेंगे ऐसा। एक देखो भाई बोर्नियो भी खरीदना है और प्रग्मा फिक्स आता है वो भी लेना है, ईस्टैक आता है वो भी लेना है, हलपटेक आता है, ये देखो ईस्टैक यहाँ पे है मेरे पास और प्रग्मा फिक्स भी यहीं पे कहीं रखा है, तो ये सीखने के लिए आपको लेना होगा, नहीं तो क्या होगा आप अपडेट नहीं हो पाएंगे, काम करने के टाइम पे क्या है ना आप सिर्फ एक के भरोसे पर नहीं बैठ सकते। अब फॉर एग्जाम्पल एसडीआर 660 मैं यहाँ पे दिया आपको, कितने मॉडल में है जाओ देखो, एसडीआर 660 का मैं डाटा शीट भी देता हूँ आपको, तो सब में यही नंबर पे काम करेगी एसडीआर 660, देखो इतने सारे मॉडल में एक ही ऐसी काम करती है, ये पूरे 4G सेटअप में है, अभी लेटेस्ट आ रहे हैं और भी ऐसियां बढ़ चुके हैं, नए ऐसियां आ रहे हैं, देखते रहना है आपको।